स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बक्सर रेलवे स्टेशन समेत नगर के तमाम इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया गया। थाना अध्यक्ष दिनेश मलाकार के नेतृत्व में विभिन्न होटलों तथा विभिन्न इलाकों की जांच की गई। इस दौरान होटलों में रह रहे आगंतुकों के बारे में भी प्रबंधन से जानकारी ली गई। इसी क्रम में नगर के स्टेशन रोड स्थित अनीता पैलेस नामक एक होटल से दो महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें वाहन में बैठाकर थाने लेकर चली गई है। वहीं काफी देर तक प्रबंधक से बातचीत भी की। इसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा आसपास के होटलों में भी सघन तलाशी अभियान चलाया गया। एक एक कमरे की जांच की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि होटल से शराब की बोतलें भी बरामद हुई, हालांकि शराब बरामदगी की पुष्टि नहीं हुई है। वही थाना अध्यक्ष ने भी ज्यादा कुछ बताने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वरीय अधिकारी जल्द ही इस मामले में जानकारी देंगे। हालांकि थाना अध्यक्ष ने बताया कि नगर के सभी इलाकों के होटलों की तलाशी तो ली ही जाएगी, साथ ही साथ चौक चौराहों पर भी विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करते हुए स्वतंत्रता दिवस की विधि व्यवस्था को लेकर योजना बनाई गई है। उधर GRP ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर चलाए गए अभियान के दौरान एक एक यात्री के सामानों की तलाशी ली, साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर से भी जांच की गई। रामाशीष प्रसाद ने बताया कि प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 पर घंटों तक चले सघन अभियान में लगातार यात्रियों तथा आगंतुकों की जांच की गई। साथ ही यह भी बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्लेटफार्म आदि पर किसी प्रकार के संदिग्ध वस्तु पाए जाने पर तुरंत उसकी सूचना GRP और RPA पुलिस को दी जाए। दो लाइन सर, क्या स्थिति है सर और किस तरह की छापेमारी सुरक्षा को लेकर के क्या अभियान चलाया जा रहा है? वरीय पदाधिकारी का आदेश था, 15 अगस्त से लेकर भी चलाया गया अभियान जी। तो अब तक होटलों के जांच में क्या सामने आया है सर? जांच की जा रही है, जांच आपके सामने आ जाएगी सर, ये जांच के सामने आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हालात से सब कुछ जांच यहां जारी है और स्पष्ट तौर पर कुछ देर के बाद ही ये समझ में आएगा कि प्रशासनिक स्तर पर जो जांच की गई है, क्या उपलब्धि मिली है, क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पहल होनी चाहिए।